शनिवार को हरियाणा की सभी जेलों में सर्च अभियान चलाया हुआ है। कुरुक्षेत्र जिला जेल में उपायुक्त डॉक्टर SS फुलिया, पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी व नगराधीश अनिल यादव की मौजूदगी में तकरीबन 150 पुलिसकर्मी छानबीन कर रहे हैं। जब इस सर्च अभियान के बारे में पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पूरे हरियाणा की जेलों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है और अभी कुरुक्षेत्र की जेल से ऐसा कुछ संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुआ है। कई जेलों में कुछ संदिग्ध चीज़ें मिली हैं, इसको लेकर जिला जेल में भी बंदियों पर कोई ऐसी संदिग्ध चीज़ ना हो इसके लिए जेल में छानबीन की जा रही है। जी, हम लोग जेल की चेकिंग आज कर रहे थे। टाइम टू टाइम इस तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं। आज जो सर्च ऑपरेशन है ये स्टेट वाइड ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है, तो ये जो हमें सर्च कर रहे हैं अभी ये ऑनगोइंग है। तो हम लोग सर्च कर रहे हैं कोई भी कॉन्ट्राबैंड या कोई भी डिसअलाउड आइटम ना हो किसी भी प्रिजनर के पास। ये इन रीसेंट टाइम्स में जो कुछ इंसिडेंट्स भी लाइट में आए हैं वायलेंस के या फिर कोई कॉन्ट्राबैंड अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में मिला है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये ऑपरेशन यहाँ पे भी कैरी आउट किया गया है। तो मैडम कुछ मिला अंदर से चेक? जी, अभी वो प्रोसेस चल रही है हमारी चेकिंग की, तो जिस प्रकार से एक बार ख़त्म हो जाएगा सारी जब चेकिंग का प्रोसेस, तो हम लोग कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन का वितरण हम कर देंगे। तो कुछ जानकारी लगी थी या रूटीन में? जी, रूटीन है, वैसे भी की जाती है, तो वैसे हम लोग मॉनिटर भी करते हैं, सर्वेलेंस भी रखते हैं जेल का, तो उससे भी हमारे पास कुछ इनपुट्स थे। बाकी ये जो अभी रीसेंट टाइम्स में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, उनको देखते हुए ये डिसाइड किया गया कि जेल्स की हम लोग एक बार थारो भी चाहिए। तो कौन कौन लोग शामिल हैं उसमें रेड में? जी, DC साहब हैं, मैं हूँ और हमारे साथ सिटी मैजिस्ट्रेट साहब भी हैं, और इसके अलावा पुलिस फोर्स थी, जो हमने इंस्पेक्टर्स थे और उनके अंदर हमने टीम्स बना दी थी हर बारह के लिए, ताकि साइमल्टेनियसली सारे बारह चेक हो सकें। कुछ मिला है मैम सर चंदा में? अभी वो चल रहा है, अभी हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी नहीं है। टाइम टू टाइम जॉइंट ऑपरेशन करते रहते हैं और कई बार हम रिक्वेस्ट करके भी SP हमको बोलते हैं, सारी फोर्स को बुलवा के एक साथ सर्च करवाते हैं, और आज ये प्रोसीजर पूरे हरियाणा में चल रहा है, पूरे हरियाणा के अंदर एक साथ पूरी जेलों की चेकिंग कराएंगे। सर क्या कारण है सर्च ऑपरेशन का? सर्च ऑपरेशन टाइम टू टाइम चलते रहते हैं पूरे हरियाणा में। खास मिला है सर यहाँ पे? क्योंकि कई बार नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, चल रहा है सर्च। कितनी पुलिस फोर्स आई है ये सर्च? अप्रोक्सीमेटली 150 के आसपास। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।